आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ मखाने की खीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मखाने, जिन्हें हम फूल मखाने भी बोलते हैं, इनकी खीर बहुत ही टेस्टी बनती है। व्रत में और त्योहारों में तो हम इस खीर को बनाते ही हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी बन जाती है। आप इसे वैसे भी बनाकर बच्चों को दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी, बहुत ही न्यूट्रिशियस है। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने गैस की फ्लेम को लो से मीडियम पर रखते हुए पैन में देसी घी लिया है। ये मैंने 2 टेबलस्पून देसी घी लिया है और इसे अब मेल्ट कर लेते हैं। इसके मेल्ट हो जाने पर मैं इसमें फूल मखाने डाल दूंगी। मखाने कैल्शियम का बहुत रिच सोर्स हैं, तो आज की हमारी ये खीर टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी बनेगी। मैंने यहाँ पर एक बड़ा बाउल मखाने का लिया है। गैस की फ्लेम को लो से मीडियम पर रखते हुए इन मखानों को हम तब तक रोस्ट करेंगे जब तक ये क्रंची नहीं हो जाते। ये देखिए, रोस्ट करने के बाद मैं इन्हें तोड़कर ऐसे दिखा रही हूँ, तो ये बहुत ईजिली ब्रेक हो रहे हैं। और ये लीजिए, मखाने तो हमारे रोस्ट हो गए हैं, लेकिन इसमें से मैं आधी क्वांटिटी अलग निकाल लूँगी। मैंने यहाँ पर एक बोल मखाने यूज़ किया था, तो अब मैं यहाँ पर हाफ बोल रोस्टेड मखाने का अलग निकाल रही हूँ। और अब ये जो रोस्टेड मखाने हम अलग करेंगे, ये बहुत ही क्रंची हैं, तो इन्हें हम ग्रैनुलर ग्राइंड कर लेंगे। बोल में सेपरेट किए हुए मखानों को हम ठंडा होने देंगे। और पैन में मैं यहाँ पर 500 मिलीलीटर फुल फैट क्रीम वाला दूध यूज़ कर रही हूँ। दूध में बॉयल आ चुका है और मैंने मखाने भी ग्राइंड कर लिए हैं। आप मिक्सी को पल्स पर चलाते हुए इन मखानों को ग्राइंड कर सकते हैं, अदरवाइज ये इतने क्रंची हैं कि आप इन्हें हाथ से भी तोड़ के डाल सकते हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखते हुए इस खीर को हम लगातार चलाते रहेंगे। 2 मिनट खीर को पकाने के बाद मैं इसमें 1 टेबलस्पून खसखस डाल रही हूँ। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। खीर में डालने के लिए आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट लिया है, उसमें से काजू, बादाम और पिस्ता को मैं थोड़ा सा ग्राइंड कर लूँगी। और ये देखिए, मैंने ड्राई फ्रूट को हल्का चॉप कर लिया है। इसे भी मैं खीर में मिक्स कर देती हूँ। ड्राई फ्रूट डाल देने से हमारी मखाना खीर बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी बन रही है। और व्रत में अगर आप इसे खाएंगे तो आपको बिल्कुल भी वीकनेस नहीं होगी। अब मैं यहाँ पर 1 टेबलस्पून कोकोनट पाउडर भी डाल रही हूँ। इसे भी हम खीर में मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखते हुए इसे भी पकने देंगे। खीर में मैं 1 कप चीनी डाल रही हूँ, ये ऑलमोस्ट 80 ग्राम के करीब है। इसी में मैंने हरी इलायची के दाने भी डाल दिए थे। आप चीनी की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। चीनी के मेल्ट हो जाने पर खीर थोड़ी पतली हो गई है, तो इसे मीडियम गैस पर हम तब तक कुक करेंगे, तब तक पकाएंगे जब तक इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक नहीं हो जाती। और ये देखिए, अब हमारी खीर सर्व होने के लिए रेडी है। आप चाहें तो इसे गर्म खाएं या ठंडा होने पर सर्व करें। आपको और आपकी फैमिली को ये खीर बहुत पसंद आने वाली है। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।